नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, जॉइंट पेन या जोड़ का दर्द एक ऐसी समस्या है जिसको हम सब ने कभी ना कभी झेला है, और जॉइंट पेन एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। दोस्तों, जॉइंट पेन एक सिम्टम या लक्षण नहीं है जिसका इलाज आसानी से किया जा सके। यह एक कॉम्प्लेक्स बीमारी होती है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को कंसीडर करना पड़ता है। पहले तो इसमें यह समझना पड़ता है कि जोड़ों के दर्द का कारण क्या है, या किसी चोट के चलते हुआ है या किसी बीमारी के कारण हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो जोड़ों का दर्द है वो शरीर के बड़े जोड़ों में है या छोटे जोड़ों में है। बड़े जोड़ मतलब नी जॉइंट, हिप जॉइंट, और छोटे जोड़ मतलब फिंगर के जॉइंट या पैर की उंगलियों के जॉइंट्स। यह एक्यूट है या क्रोनिक, मीन्स सडन हुआ है या किसी पुरानी बीमारी के चलते हुआ है। दर्द की सीरियसनेस या सीवियरिटी कितनी ज़्यादा है, इन सब पॉइंट को कंसिडर करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जॉइंट पेन के कारण क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या आ सकते हैं, हमें क्या जांच या इन्वेस्टिगेशंस करवाना चाहिए, इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब शरीर के किसी जोड़ में दर्द होता है, वहाँ सूजन होती है, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है और चलने में तकलीफ़ होती है, तो इसे जॉइंट पेन या जोड़ों का दर्द कहा जाता है। ये जो जॉइंट पेन है, ये पेशेंट को दोनों तरफ के जोड़ों में हो सकता है, किसी बड़े जोड़ में हो सकता है, छोटे जोड़ों में हो सकता है। इन सब की लोकेशंस के आधार पर हमको बीमारी का डायग्नोसिस करने में आसानी हो जाती है। अब हम यदि यहाँ पर इसके रिस्क फैक्टर की बात करें, तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू एज, मीन्स मिडिल एज में और ओल्ड एज में ये तकलीफ ज़्यादा देखी गई है। कभी कभी पेशेंट किसी एक जॉइंट का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करता है, उससे भी पेशेंट को ये तकलीफ़ हो जाती है। किसी पर्टिकुलर जॉइंट में यदि इंजुरी हुई है तो भी एक कारण हो सकता है, और पेशेंट यदि ओवर वेट है तो भी यह कंप्लेंट हो सकती है। अब हम इसके कारणों की बात करेंगे। इस पे नंबर वन और सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें होता क्या है कि पेशेंट के जो बड़े जोड़ होते हैं उनके दोनों सरफेस के बीच का कुशन या उसका कार्टिलेज वियर एंड टियर हो जाता है, मतलब वो रगड़ खा जाता है, तो पेशेंट को वहाँ दर्द होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, और वहाँ पेशेंट को सूजन आ जाती है और पेशेंट का जोड़ दर्द करने लगता है। नंबर टू पे है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें पेशेंट को किसी क्रोनिक बीमारी के चलते जोड़ों में सूजन आ जाती है और उसका कोई एक पर्टिकुलर जॉइंट डिफॉर्म हो जाता है। नंबर तीन, गाउट। इसमें पेशेंट की बॉडी में यूरिक एसिड का परसेंटेज बढ़ जाता है और यह यूरिक एसिड के क्रिस्टल बॉडी के जॉइंट्स में जाकर जमा हो जाते हैं, स्पेशली जो शरीर के छोटे जोड़ होते हैं, जैसे कि उंगलियों के जोड़ और पैर की उंगलियों के जोड़ वहाँ जमे हो जाते हैं। इसका मेन सिम्टम ये होता है कि पेशेंट को जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। किसी किसी को यह पेन केवल मूवमेंट में होता है, लेकिन किसी किसी को आराम करने पर भी ये दर्द महसूस होता है। नंबर टू, पेशेंट को जोड़ों में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस या जकड़न महसूस होती है। नंबर तीन, पेशेंट को जोड़ों के आसपास नंबनेस या सुन्नपन महसूस होता है। यह सुन्नपन ऊपर की तरफ भी बढ़ सकता है या नीचे की तरफ भी बढ़ सकता है। किसी किसी में तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि उसको दर्द के कारण बुखार आने लगता है, उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, मतलब वो कोई कोई मूवमेंट कर नहीं पाता है। किसी किसी के जॉइंट में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, वो लाल दिखते हैं, एकदम रेड हो जाते हैं और वो छूने पे गर्म भी लगते हैं। जोड़ों में क्रैकलिंग साउंड या कड़कड़ की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि जो जोड़ होते हैं उनके बीच का जो कुशन होता है वो घिस जाता है और वो आपस में रगड़ाते हैं और कड़कड़ की आवाज़ आती है। अब हम यहाँ पर इसके होम ट्रीटमेंट की बात करेंगे। किसी पेशेंट को यदि जोड़ों में दर्द है तो उसे गर्म या ठंडी सिकाई से आराम मिलता है। यदि पेशेंट का ओवरवेट है तो यदि वो वेट लूज़ करता है तो भी उसके जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। नंबर तीन, हल्के फुल्के एक्सरसाइज से, स्विमिंग से, स्ट्रेचिंग से भी उस पर्टिकुलर जॉइंट में आराम मिलता है। जिस हिस्से में दर्द है उस जोड़ में यदि कोई जेल या क्रीम या ऑइंटमेंट लगाया जाए तो भी पेशेंट को आराम मिलता है। जब किसी पेशेंट को किसी चीज़ की कमी होती है, जैसे कि विटामिन B12 की, कैल्शियम की या विटामिन D की, और इस कमी को पूरा कर दिया जाए तो भी पेशेंट को आराम
आ जाता है। कई पेशेंट सपोर्टिव एड्स लगाते हैं, जैसे कि ब्रेस लगाएंगे या आर्थोपेडिक डिवाइस लगाएंगे, उससे भी उनको आराम आ जाएगा। आपको फिजियोथेरेपिस्ट की विजिट भी कर सकते हैं, जिससे कि वो आपको एक्सरसाइज करवाएगा, उससे भी उस पर्टिकुलर जोड़ में आपको आराम आ सकता है। दोस्तों, अब हम इसके इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे। जब इस तरह का पेशेंट क्लिनिक में आता है तो उसके जोड़ों में सूजन दिखाई देती है, टच करने पे उसके जॉइंट्स गर्म महसूस होते हैं, इसलिए इस तरह के जोड़ों के दर्द में पहले पूरी तरह से हिस्ट्री जानना ज़रूरी है, उसकी फैमिली हिस्ट्री, कोई चोट तो नहीं लगी है इस तरह से। इसमें सबसे पहले पेशेंट के ब्लड टेस्ट में CBC करवाएंगे। यदि पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है तो उसका लिम्फोसाइट काउंट बढ़ा हुआ आ सकता है, यदि आर्थराइटिस हुआ है तो उसका ESR बढ़ा हुआ आ सकता है, और यदि उसके जोड़ों में सूजन है तो सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा हुआ आ सकता है। यदि पेशेंट को गठिया या गाउट हुआ है तो उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आ सकता है, और उसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है तो उसका RA फैक्टर बढ़ा हुआ आ सकता है। जॉइंट फ्लूड एनालिसिस भी करवा सकते हैं। इसमें पेशेंट को जिस जॉइंट में तकलीफ होती है वहाँ का फ्लूड निडल की सहायता से निकाला जाता है और जांच के लिए भेजा जाता है, उससे पता चल जाएगा कि क्या बीमारी के कारण तकलीफ हो रही है। एक्सरे का भी बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। वैसे तो एक्सरे में कार्टिलेज नहीं दिखते हैं, लेकिन जब घुटने घिसते हैं और कार्टिलेज घिस जाते हैं और उनके बीच का जो स्पेस है वो कम हो जाता है, वो एक्सरे में दिख जाएगा। जोड़ों के घिसने के कारण जो गठाने बन गई हैं या स्पर बन गए हैं वो भी दिख जाएंगे, और यदि कोई डिफॉर्मिटी हुई है वो भी एक्सरे में दिख जाएगी। इसके बाद यदि और एडवांस करवाना है तो MRI करवा सकते हैं, उसमें कार्टिलेज, बोन, लिगामेंट सब दिख जाएगा। सोनोग्राफी भी करवा सकते हैं, इसमें भी सब दिख जाएगा, और इसमें साइनोवियल फ्लूइड भी दिख जाएगा, मतलब जोड़ों के बीच में जो लिक्विड होता है, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो भी सोनोग्राफी में दिख जाता है। तो दोस्तों, ये सब जांचें करवा के हम जान सकते हैं कि कौन से जोड़ में किस तरह का दर्द हो रहा है और उसके पीछे कौन सी बीमारी हो सकती है, इसका कैसे इलाज किया जाए। अब हम यहाँ पर इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे। दोस्तों, इसमें नंबर वन पर जो मेडिसिन है वो अर्निका। जब किसी नई या पुरानी चोट के कारण पेशेंट के जोड़ों में दर्द होता है और दर्द इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट बहुत ओवर सेंसिटिव हो जाता है, वो उस जगह को टच भी नहीं करने देता है, वहाँ सूजन भी हो सकती है, यदि इस तरह की तकलीफ हो रही है तो अर्निका दे सकते हैं। अब नेक्स्ट मेडिसिन है रस्टॉक्स। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट का जोड़ों में पेन बहुत ज़्यादा होता है, उसको फील होता है कि उसके जोड़ फट जाएंगे। जब वह बिस्तर से उठता है तो उसका पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जब वो कंटिन्यूड मोशन करता है, मतलब बहुत देर तक चलता है, तो थोड़ा सा जोड़ों के दर्द में आराम आ जाता है। पेशेंट को दर्द के साथ इसमें जकड़न भी मिलेगी। इस कड़ी में तीसरी मेडिसिन है ब्रायोनिया एल्बा। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट के जोड़ों में बहुत ज़्यादा सूजन होती है, वहाँ ड्राइनेस होती है और छूने पे वे गर्म महसूस होते हैं और पेशेंट को बहुत ज़्यादा जकड़न और दर्द मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन है एक्टिया स्पाइकेटा। जब पेशेंट के छोटे जोड़ों में, मींस हाथ की उंगलियों वाले जोड़ या पैर की उंगलियों वाले जोड़ों में तकलीफ होती है, और स्पेशली ये पेन गाउट के कारण होता है, वहाँ पेशेंट को बहुत ज़्यादा जकड़न होती है, सुबह सुबह उसकी उंगलियाँ खुलती नहीं हैं, यदि इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो एक्टिया स्पाइकेटा दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। दोस्तों, इस मेडिसिन का जो रोल है वो सेलुलर टिश्यू पे बहुत अच्छा है। जब पेशेंट को साइनोवियल फ्लूइड में सूजन आ जाती है, उसे हम बोलते हैं साइनोवाइटिस, उसके कारण पेशेंट को वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म महसूस होता है, बहुत स्वेलिंग होती है और एक्सट्रीम पेन होता है, तब एपिस मेलिफिका अच्छा काम करेगी। इस कड़ी में लास्ट मेडिसिन है नेफेलियम। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब उसके जोड़ों में ऑयल या लिक्विड कम हो जाता है, उसके कारण घुटने घिस जाते हैं, वहाँ पेन होता है, वहाँ पे उसको सूजन आ जाती है। बोरिक साहब ने क्लियर लिखा है अपनी किताब में कि जब भी किसी जॉइंट का ऑयल या लिक्विड कम हुआ है तो नेफेलियम देना चाहिए। दोस्तों, जॉइंट पेन या जोड़ों के दर्द पे बनाया हुआ यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प मिली है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो, माय चैनल। थैंक यू।